भगवान पे भरोसा। जाडे का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कोए बैठे थे। वे सब बार बार काऊ काऊ कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसे नीम के पेड़ के एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कोए उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौआ ने कहा, नहीं यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं, इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौ ने कहा, हमें तेरे जैसी बहन नहीं चाहिए, तू बहुत भगवान का नाम लेती है तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कोए तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे लोग एक दूसरे को मारते हैं और काऊ काऊ करते झगड़ते हैं। कौन कौआ किस टहनी पर रहता रात को बैठेगा, यह कोई झटपट तय नहीं जान हो सकता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते हैं। आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौ को काऊ काऊ करके अपनी ओर झटपट देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ पड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कोए काऊ काऊ करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कोए मर गए। मैना जैसे आम पर बैठी थी, उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खुडर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई, उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ तो दो घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खुडर में से निकली, पंख फैला कर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ी पृथ्वी पर। ओले से घायल पड़े हुए कोयों ने मैना को उड़ते देख कर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन तुम कहाँ रही, तुमको ओलों की मार से किसने बचाया। मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। तो दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सेवा और कौन बचा सकता है। लेकिन भगवान केवल ओले से नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।